सो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह उठ के आंखें सूजी हुई लेके हम निकल चुके हैं थी सब्जी मंडी के लिए 8 बजे, की बहुत महंगी पड़ रही थी पिछली बार जो बताया था, और उसकी 1000 रुपये की आ रही थी, इसलिए 10 दिन के 1000 रुपये की लेके आएंगे। लोकल सस्ता टिकाऊ क्या हो गया, रोज के 1000 रुपये की। हाँ तो बेल पेपर कितना चलते हैं, 200 रुपये 250 रुपये के तो बेल पेपर आते हैं, 2 बेल पेपर वो भी, और वो रेड कैबेज ऑलमोस्ट 100-150 रुपए की तो अकेली रेड कैबेज आती है, जो वहाँ पे 40 रुपए पाइया मिल जाती है। अभी तक रेट याद है मुझे सारी चीज के वहाँ पे। तो देखते हैं फ्रूट्स वगैरह भी, मेरी लाइफ पिछली बार मिली नहीं थी, छोटी छोटी लेके आए थे, तो बस चलते हैं निकलते हैं। काफी दिनों से सोच रहे थे, फाइनली प्लान बना लिया। तो वैसे टैलेंट ट्रोली कर रही थी लेकिन मैं हूँ कल्लू खालिया, मैंने बोला चलो। ये सुबह उठ के ऐसे बहाने मारे थे जैसे बचपन में स्कूल जाने के लिए नहीं मारते, बस सुबह सुबह जाना ना पड़े। मेरी आदत है, बारिश तो नहीं हो रही, बारिश तो नहीं, मौसम तो ऐसे ही लग रहा था ना बारिश वाला, यार मुझे लगा बारिश तो नहीं हो रही होगी। फिर वहाँ पे कोई बैठेगा नहीं है, दूर है यार, बहुत है यार, यही होनी चाहिए थी, जयपुर में है यार। बस ठीक है ना, हफ्ते दो हफ्ते में एक बार ही जाना है, सिग्नल आते हैं ना, मन नहीं करता। तुमने कौन सा सिग्नल उतर के पार करने हैं? अब आते आते अभी जैसे हम लोग निकले सवेरे 8 बजे, ठीक है, 8:30 तो भूख भी लग जाती है, फिर बंदा बाहर से अब कुछ खा भी नहीं सकता है। सुबह सुबह 8:30-2 घंटे में क्या खाना है बंदे ने, समझ लो खाली पेट भर, समझ लो खाली पेट वर्कआउट कर रहे हो। या वही समझ के ही मैं जा रही हूँ, आके ही खाऊंगी। झोले वगैरह ले लिए हमने, लेट्स गो। चंडीगढ़ से पहले जैसा रहा नहीं। हाँ। सुबह 8-9 बजे ही, 8:30-8 बजे इतना ट्रैफिक होने लग गया, पूरे मुंबई की फील देता है, जैसे घर से निकलते चंडीगढ़ एंटर हो बस ट्रैफिक शुरू वहाँ से। सिग्नल तो है बट ट्रैफिक ही बहुत लंबा है ना, मूवमेंट बहुत धीरे हो गया, पहुँचते पहुँचते 1 घंटा हो गया मुझे लगता है, 8:30 निकले थे ना, 8:55 हो गए। लो जी हम पहुँच चुके हैं, और आज भीड़ थोड़ी कम लग रही है तो शायद इसलिए क्योंकि हम जल्दी टाइम से आ गए, और फ्रूट्स वगैरह मैं देखा अनार वगैरह भी आ गए काफ़ी ज़्यादा ना। पहले अंदर ही चलेगा सीधा, अच्छा चलो सीधा अंदर चलते हैं। भाई कीचड़ तो बहुत ज़्यादा मचा हुआ है, फ्रेश फ्रेश लगा हुआ है ना, कुछ बहुत भीड़ है इस टाइम तो, लोगों की बहुत भीड़ है, बाहर कम लग रही थी लेकिन अंदर बहुत ज्यादा। कौन सा फ्रूट है भैया? सब्जी है, ये कौन सी सब्जी है? पहाड़ी करेला है, ककोड़ा बोलते हैं। करेला कैसे है? 80 की। सारी सब्जियां वगैरह हो गई, अब हम जा रहे हैं फ्रूट्स देखने, पर अंदर तो बहुत महंगे थे। ये कौन से हैं? गोल्डन, गोल्डन ये वाले ग्रीन एप्पल है, ग्रीन है, ये सबसे ज्यादा फायदा करते हैं। ये क्या रेट है? 100 रुपए। ये क्या स्प्रे मार के लाल होते होते तो ऐसे हरे हैं। कितना दे रहे? 2 किलो। सो जी हो चुकी है हमारी शॉपिंग वगैरह, और पिछली बार से तो थोड़े रेट बढ़ी गए यार, प्याज बड़े 70 रुपये ऑनलाइन दिख रहा था, यहाँ पे भी काफी महंगे थे, बट एक बात है भाई एटीट्यूड बढ़ा है सब्जी वालों में, यहाँ पे काम करके कोई राजी नहीं है, 10 रुपये भी कोई कमती कर रहा था। हाँ तो उस वजह से फिर अभी जितना मिला हम लेके आगे, बाकी तो देखते ही चीजें जो ऑनलाइन मंगवाएंगे फिर हम।
फ्रेश रहे, नींद ही आने लगी सुबह जाके सब जाके 3 घंटे सो जाते हैं है ना। सुनो तो सही हाँ। मुझे तो वहाँ पे गोबर के नशे हो गए हैं मुझे ना। कीचड़ था, गोबर था, सब कुछ गोबर कीचड़ सारा कुछ मिक्स। राजवीर का तो पीछे से लाइक पूरी गंदी हो चुकी है, चप्पल भी यार पूरा होते ही बेड पे मत चढ़ जाना ऐसे। बंदा पैसे बचाने के लिए कहाँ कहाँ किस हद तक जा सकता है। वही तो ये लेकर आए हैं, ये मैं उठा के लेकर आई हूँ गाड़ी से यहाँ तक, देख लो। जिम भी तो इसलिए करते हो। रुको मैं उठाती हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, एक थैला मैं तेरे को प्रोटीन की। चलो चलो खोलो यार, तुमने तो दोनों ही उठा लिए यार। एक सेकंड मुझे पहले मेरी पूरी लाइन सुन लो। मेरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में तुमने दो एक हाथ से दो जो थैले उठाए हैं ना। मैं आज तक वो दिन याद करता हूँ जिस चीज से तुम इम्प्रेस हो गए। कौन सी चीज? पता नहीं क्या था वो। मैं यूँ कह रहा हूँ क्या, झोले तो उठाने पड़ेंगे, प्रोटीन पिला रहे हैं अभी का मुल मोड़ना है। कि प्रोटीन प्लान वाले था मुल मोड़ना है तुम्हारा। मेरा तो प्रोटीन पे मेरे प्रोटीन का कर्ज है। अच्छा कर्ज भी तो चुका। बस अभी आंटी को फोन किया, हम देखते हैं आंटी का फोन बहुत बिजी जा रहा है, अभी देखते कब तक आती है। चलो जी ठीक है, अब 10-12 दिन की छुट्टी होगी। दस दिन चल जाएगा। ये तुम्हारा बेल पेपर में बहुत महंगा मिलता है ना, जिसके चक्कर में जाना पड़ा। सब्जी भी महंगी है, प्याज भी कहाँ ऑनलाइन फिर क्या होता है ना रात, थोड़ा ये भी तो करते हैं ये लोग, कम भेज देते हैं। घोटाला तो वहाँ पे भी करते हैं। एक सेकंड वहाँ पे कर रहे थे, मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब तुम पत्ता गोभी नहीं लेने गए थे, ये पर्पल कैबेज है वहाँ पे आए नींबू विम्बू लेने के लिए, कोई बंदा लेने के लिए आया था ठीक है। वहाँ पे वो पूरा अच्छे से ना उसको चेक कह रहा था, अच्छे से चेक करके गया, क्योंकि उनका मुंह तो अपनी साइड पे होता है। अब जैसे ऑनलाइन पे घोटाला करते हैं तुम, अब यहाँ चेक कर लेते हो ठीक है, कंप्लेंट कर देते हो वापस मिल जाता है ठीक है। वहाँ पे नजर हट गई अगर तो फिर वो नहीं, वहाँ पे उन्होंने देखा नहीं उसका जो पेट मशीन होती है उसका फ्रंट साइड, तो वो अपनी साइड करके बैठे, वो खुद देखते ग्राम ग्रूम कितना है, केजी हुआ है न्यू है ठीक है। घोटाला उस साइड भी होता है, फिर वो बंदा ना पूरा ऐसे जॉग के पूरा देख के गई थे, ये कम है, ये 100 ग्राम कम है, 200 ग्राम कम है, ऐसे कैसे वो है। नींबू लेने गया था, सिर्फ नींबू ही लेके तुमने सीखा ना कुछ ऐसे करके जब मैं खड़ी थी सीखने को तो मिला। ऐसे करके पूरा की पूरा करा के लेके गए हैं पूरा सही। हाँ तो मैंने रखे हुए राजमा बॉइल होने के लिए, हाँ सासू माँ के हाथों का देसी घी इसी के अंदर बनाए जा रहे हैं छिल्ले। तो देखते हैं, वैसे तो भी मैंने देख लिया, Let's try. देखो ढीला कितना ज्यादा, फाइनली ये सही हो गया। पहला चिल्ला अक्सर ऐसा हो ही जाता होगा।